राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं क्या होगा आपके अंतिम संस्कार के बाद। क्या कभी आपने विचार किया? और विचार कर लो तो सारे काम आपके अपने आप हो जाएंगे। क्या होगा अंतिम संस्कार के बाद? जिस समय मृत्यु होगी उस समय चारों पासे लोग रो रहे होंगे। जब कब तक? जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता। और जब अंतिम संस्कार हो गया तो उसके बाद कुछ ही घंटों में रोने की आवाज पूरी तरह बंद। जो भी रिश्तेदार आएंगे दूर दूर से, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी। पूरा परिवार उनके खाने पीने की व्यवस्था करने में जुट जाएगा। जो जेंट्स आएंगे, जो आदमी आएंगे कुछ बाहर से, वो टहलने के लिए शाम को जाएंगे बाहर चाय पीने के लिए, क्योंकि घर में माहौल गमी का होगा। कोई व्यक्ति या रिश्तेदार आपके बेटे बेटी से, बच्चों से, पत्नी से, पति से बात करेगा और कहेगा, अपनी मजबूरी बताएगा कि मैं आ नहीं सका, और अपना दुख प्रकट करेगा। और दूसरी तरफ आपका मृत शरीर चिता पर चल रहा होगा। उधर आपको अंतिम विदाई देने के लिए आए लोगों में कोई फोन पर बतिया रहा होगा, तो कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पे व्यस्त होगा। दूर बैठे कुछ लोग झुंड बना ग्रुप बनाकर घर परिवार व्यवसाय किए आदि अन्य विषयों पर चर्चा कर रहे होंगे। अगले दिन रात के खाने के बाद कुछ लोग कम हो जाएंगे, रिश्तेदार चले जाएंगे, और कुछ लोग सब्जी में नमक कम होने की बात की शिकायत करेंगे। धीरे धीरे करके भीड़ छटने लगेगी। आपका कार्यालय, आपका ऑफिस या आपकी दुकान, जहाँ पर आपकी जगह खाली हुई, वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की व्यवस्था की जाएगी जल्दी जल्दी में। महीने के अंत तक, महीना बीतते बीतते आपका जीवन साथी कोई कॉमेडी शो देख के खुद को हंसाने की कोशिश कर रहा होगा और हंस भी रहा होगा। सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। आपको इस दुनिया से आश्चर्यजनक रूप में बुला दिया जाएगा। इस बीच आपकी प्रथम पुण्यतिथि आ जाएगी, जो बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत जाएगा और आपके बारे में बात करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। एक दिन बस पुरानी तस्वीर को देख के आपका कोई मित्र, कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई घरवाला आपको देख के कुछ पल के झुकाएगा, याद करेगा। लोग आपको आसानी से भूलने के लिए दौड़ रहे हैं। आसानी से वो लोग आपको भूल जाएंगे। और आप किसके लिए दौड़ रहे हो, कभी सोचा है आपने? आप किसके लिए चिंतित हो, किसके लिए टेंशन लेते हो, किसके बारे में चिंता करते हो? या तो परिवार की बात बता दी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या आप अपने घर परिवार, समाज, दोस्तों, रिश्तेदारों, इनको खुश करने के लिए जी रहे हो, इनको संतुष्ट करने के लिए जी रहे हो? जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसलिए विचार करो कि मेरा जन्म क्यों होगा, मुक्ति पाने के लिए या फिर चिंताएं करने के लिए? जिनकी चिंताएं करते हो वो तुम्हें आसानी से भुला देंगे, देख लेना। जिस दिन मर जाओगे ना, कब महीना बीत गया, कब साल बीत गया, कब सालों साल बीत जाएंगे, कुछ पता नहीं। सिर्फ एक फोटो में लटके हुए मिलोगे। जिंदगी एक बार मिलती है, जी भर के जी लो। भगवान की भक्ति करो, मोक्ष पाने की कोशिश करो। जितना हो सके जो आपका परम उद्देश्य है, विचार करो, परम उद्देश्य मेरा क्या है? इस संसार से मोक्ष पाना या 84 लाख में भटकते रहना? जितना जल्दी हो सके अपने लक्ष्य पे पहुंचो, जो परम उद्देश्य है जीवन का। और परम उद्देश्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति करके फिर उसके बाद आत्म साक्षात्कार हो जाएगा जब आपका, तो उसके बाद आराम से बैठ के जो जीवन बचा है वो जियोगे, खुद को शरीर मान के नहीं, खुद को शुद्ध आत्मा। कुछ नहीं रखा इस संसार में दोस्तों, विचार करने वाली बात है। विचार करके देखो, आंखें बंद करके इस वीडियो को दोबारा सुनो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो।
दूसरों को भी भेजो ताकि उनका भी मंगल हो, उनका भी भला हो। राधे राधे दोस्तों।